हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या होता है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो टोटल मूवमेंट होता है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उन दोनों के बीच में जो भी मूवमेंट हुई है, यानी कि जो भी उसने मूवमेंट की है, वो टोटल मूवमेंट होता है हमारा डिस्टेंस। यानी कि सपोज कीजिए ये हमारा था एक पॉइंट ए, और ए को हम जाना है बी पॉइंट के पास, तो ए जितना यहाँ से चला होगा बी तक, वो उसकी टोटल मूवमेंट को हम कहेंगे डिस्टेंस। यानी कि जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो चला है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला है ए बी तक पहुंचने में, तो उसकी टोटल मूवमेंट क्या होगी? 10 किलोमीटर, यानी कि ये हुई है इसकी डिस्टेंस। इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है कि ए बी तक गया है 10 किलोमीटर में, लेकिन 10 किलोमीटर का किस डायरेक्शन में चला है वो यहाँ पे गिवन नहीं है। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो विदाउट एनी डायरेक्शन के होता है, जो टोटल मूवमेंट एक ऑब्जेक्ट ने किया है। ठीक है, डिस्टेंस हो गया ये। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो दैट पॉइंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन है, एक ऑब्जेक्ट ने जो भी अपनी पोजीशन में चेंज किया है वो है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव किया है फ्रॉम ए पोजिशन टू बी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन चेंज किया है, देन द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हुई है उसकी पोजीशन, और इस चेंज इन पोजीशन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि किस डायरेक्शन में वो गया है। मान लीजिए गया है वेस्ट में या फिर ईस्ट में गया, ए से बी तक गया है ये, मान लीजिए वेस्ट में 10 किलोमीटर चला है, तो ये हुई है इसकी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो किस डायरेक्शन में और कितना चला है, ये हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इस फिगर में देखिए एक ए पॉइंट है, यहाँ पे साइक्लर है, फिर यहाँ पे बी पॉइंट है, ये घर है, और सी पॉइंट है एक पेड़, एक ट्री है। तो अगर हम बात करें कि ये साइक्लर इस घर तक जाने में, यानी कि ए पॉइंट से बी तक जाने में 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताया कि एक पॉइंट ए है, इस बच्चे को साइकिल से उस घर तक जाना है, उस पॉइंट बी तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर बी से यहाँ जाना है सी के पास, इस पेड़ के पास, तो कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर है, ठीक है। और अगर इस बच्चे को डायरेक्ट इस पेड़ के पास जाना है, तो कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर। यानी कि अगर इसको ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना तो है, तो इसको वापस ए के पास आना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी कि ये 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? 4 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 12 मीटर। यानी कि वो कितना चला है, अब कैसे चला है वो देख लो। कि एक बॉय है, इसने यहां से अपनी जर्नी शुरू की, ये घर गया, फिर घर से फिर ट्री तक हुआ, और फिर ट्री से फिर वापस इस पॉइंट पे आया, तो इसने जो भी इसने अपनी पोजीशन में चेंज किया है डायरेक्शन के बिना, वो इसके डिस्टेंस है। कितना गया है? 4 मीटर यहाँ घर तक जाने में, 3 मीटर यहाँ पेड़ तक जाने में, फिर 5 मीटर वापस आने में, तो टोटल डिस्टेंसेस होगी हमारी 12 मीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डेल डी, डेल डी मतलब हमारा डिस्टेंस, which is equals to d1 plus d2. अब d1 d2 क्या है यहाँ पे? d1 है हमारा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पहला ये जो ऑब्जेक्ट है इसने जो पहले डिस्टेंस ली है वो, प्लस
दूसरी डिस्टेंस डी टू, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये होगी हमारी डी वन, ये होगी हमारी डी टू और ये होगी हमारी डी थ्री, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ। इस फिगर में क्या गिवन है, ये एक बॉय है, इस ये बॉय पहले जाएगा बी पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, फिर बी से जाएगा सी पॉइंट पे, फिर सी से डी पे, फिर वापस ए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होने वाली है यहाँ पे, ऐड कर देंगे 3 + 5 + 3 + 5, क्योंकि हमें डायरेक्शन को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो इस पॉइंट से चला और वापस जब इसी पॉइंट पे आया तो वो कितना चल के आया, तो 3 5 + 3 + 5, ठीक है। ये आ जाएगा 3 + 5 + 3 + 5, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल वो डिस्टेंस कितना चला है 16 मीटर, ठीक है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स को, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से, डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स नोट, या तो इसको एक्स जीरो बोलो या फिर एक्स नोट बोलो। एक्स एफ क्या है, हमारी फाइनल पोजिशन, फाइनल पोजिशन पे, फाइनल पोजिशन के उसका डिस्प्लेसमेंट, और एक्स नॉट क्या है हमारी इनिशियल पोजिशन, यानी कि इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक का उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट पे कितना है, अभी यहाँ से चला ही नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें ए पॉइंट है वो भी जीरो, क्योंकि अभी वो चला ही नहीं है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। और एक चीज और, इसमें डायरेक्शंस गिवन नहीं है, तो जब डायरेक्शन गिवन नहीं है तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, जॉन ट्रेवर्स 250 माइल्स टू नॉर्थ, जॉन ने 250 माइल्स नॉर्थ की तरफ वॉक किया, बट देन बैक ट्रैक्स टू साउथ, लेकिन फिर वो वहां से वापस कहाँ चला, साउथ की तरफ 105 माइल्स टू पिकअप अ फ्रेंड। सपोज कीजिए ये हमारा जॉन है, ये यहाँ पे है ए पॉइंट पे, तो वो पहले गया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो वापस चल के आया साउथ में 105 मील अपने किसी फ्रेंड को लेने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द जोन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो जोन की टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, तो अगर हम जोन के स्टार्टिंग पॉइंट को एक्स आई से डिनोट कर दें, एक्स आई लो या फिर एक्स नोट लो या एक्स जीरो लो, एक्स आई तो वो क्या है जीरो, स्टार्टिंग पोजिशन उसकी अभी जीरो है, वो यहां से चलना है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग पोजिशन क्या है जीरो है, और उसकी फाइनल पोजिशन क्या होगी एक्स एफ, उसकी फाइनल पोजिशन है एक्स एफ, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड नॉर्थ माइनस द डिस्टेंस साउथ, अब फाइनल पोजिशन कैसे निकालेंगे हम, फाइनल पोजिशन यानी कि वो यहाँ से चला है, तो ये इसकी स्टार्टिंग पोजिशन, यहाँ से चल के वो किधर गया है नॉर्थ में गया है, नॉर्थ से फिर वापस आया है साउथ में, तो फाइनल डिस्टेंस क्या होगी हमारी नॉर्थ माइनस साउथ, ये है उसकी फाइनल डिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगी, नॉर्थ माइनस साउथ, ये आ जाएगा हमारा एक्स एफ, यानी कि द फाइनल पोजिशन ऑफ जॉन। तो अगर हम डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाए जो कि होता है डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो यहाँ पे हमारी एक्स एफ क्या है, एक्स एफ है हमारी 250 - 105, 250 - 105 कैसे हुआ, क्योंकि 250 वो चला था नॉर्थ में, 250 कहाँ चला है वो नॉर्थ में,
और उसके बाद वापस आया साउथ में 105 मील चल के अपने किसी फ्रेंड को पिक करने के लिए। तो 250 माइनस 105 होगी उसकी फाइनल पोजीशन, और माइनस एक्स आई मतलब उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो कि क्या है, 0 है। तो 250 माइनस 105 माइनस 0 कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट हमारा, 145 माइल्स नॉर्थ। ये आ गई है हमारी डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर हुआ हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर निकालते कैसे और होता क्या है। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो डिस्टेंस क्या होता है, कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो भी कंप्लीट लेंथ होगी, टोटल जो लेंथ होगी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हेन मेजर्ड अलोंग द मिनिमम पाथ बिटवीन देम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है उससे हम जितना भी मिनिमम पाथ निकाल सकते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमने बात की, यानी कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसके कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और इवन 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये हुई हमारे डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशंस, उनके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, उनको फाइंड कैसे करते हैं वो देखा है, एक क्वेश्चन हमने करके देखा, फिर हमने लास्ट में किया है उन दोनों के डिफरेंसेस एक टेबुलर फॉर्म। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।